का बतलाया हे गाते हैं राद लाया गीत ये चरण पर महावीरों से अवड़ाया मन नाम जब तबराया गीत आम तेरे मन अपना जब तबराया गीत आम देगा श्री श्री मिश्रीमल जी महाराज की 132वीं जन्म जयंती अपने यहाँ पर आयोजित की गई है और सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में तपोकेसरी संजय मुनि जी महाराज ने महावीर स्वामी की स्तुति प्रस्तुत की। अब मर्दर केसरी जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 5-7 मिनट जाप होगा मर्दर केसरी जी महाराज का, उसके पश्चात उनकी स्तुति की जाएगी। ओम ह्रीं श्रीं मर्दर केसरी गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं मर्दर केसरी मिश्री 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 गुरुभ्यो नमः। ओम वैसे भी आपको क्या है आता है, आप सभी ये कार्ड से प्रार्थना बोलेंगे। नित बांधो शीस नमा या मारुदर केसरी। नित बांधो शीस नमा मारुधर केसरी। गुरु वंदन चरणा माया मारुधर केसरी। गुरु वंदन चरणा माया मारुधर केसरी। पाली आली नगरी वाली पाली केसरी। पितु से समल ही आहार मारुधर केसरी। पितु से मारुधर ज्ञान प्रकाश फैलायो जग में। रखी जैन धर्म की शान मारुधर केसरी। हाँ रखी जैन परम प्रतापी परचाधारी मान मारुधर केसरी। हसी खोलिया के संस्थान मारुधर केसरी। हाँ खोलिया के संस्थान मारु। हर्ष का वातावरण है, श्रमण सूर्य विश्व पितामा भारत भूषण दिव्य विभूति 1008 मारुधर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब का क्या है 132वां जन्म जयंती है। भारतीय संस्कृति के अंदर महापुरुषों का जब भी इस धरती के ऊपर महापुरुष जन्म लेते हैं कहते हैं मानव
की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है, साधक की पूजा कौन करे, साधकता पूजी जाती है। मानव की पूजा नहीं होती है, गुणों की पूजा होती है। उनका जन्म कहाँ पर हुआ, पाली के अंदर, और माता कौन थी, केसरबाई, और पिता शेषमल, और दीक्षा कहाँ पर हुई, सोजत के अंदर, जो हमारा हम भी कौन है, सोजत सिटी के। हमारे गुरु भी वही है, मरुधर केसरी मिस्त्री मल जी महाराज साहब। कहते हैं मिस्त्री किसे कहते हैं, ऊपर से क्या होती मिस्त्री, कड़क होती है और अंदर से मीठी होती है। दूध के अंदर भी मिस्त्री का क्या हो जाता है, प्रयोग किया जाता है। हर कार्य के अंदर क्या होती है मिस्त्री का, मतलब मीठा बोलना। जिस व्यक्ति के समक्ष हर मानव चाहता है कि हम मिठास बने, मिस्त्री मलजी महाराज साहब जिनका सानिध्य हमने तो नहीं पाया, परंतु उनका इतिहास पढ़ा है कि जो भी उनके दरबार के अंदर आता तो पहले क्या करते, भोजन करो, फिर क्या करो, वंदन करो। मिस्त्री मलजी महाराज साहब की विशेषता थी कि जब उन्होंने मादले गांव के अंदर जब एक बकरे की माता जी के यहाँ बलि चलाई जा रही थी, उन्होंने कहा इस बकरे को छोड़कर मेरे गर्दन के ऊपर क्या कर दो, क्या कर दो, चूरा रख दो। देखिए उन्होंने अपनी जान की भी क्या नहीं की, परवाह नहीं की, परंतु उन्होंने सत्कार्य के कहीं गौशाला खुराई और कहीं कन्याशाला खुराई। द्वंद सरल है और निर्माण करना कठिन है। मकान बनाने में बहुत कठिन परिश्रम लगता है, लेकिन उसको ढहाना हो तो कुछ क्षण का काम है। कपड़ा बनाने के लिए कितनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसको फाड़ना हो तो एक मिनट लगता है। चित्र बनाने में समय लगता है पर मिटाने में नहीं, चित्र बनाने में समय लगता है पर मिटाने में नहीं, ये हमारे बाह्य व्यक्तित्व की बात है, पर जो हमारा अंदर भीतर का व्यक्तित्व है उसको निर्माण करना बहुत ही कठिन है। व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण अवस्था है बचपन, बाल्य अवस्था, और उसके निर्माता कौन होते हैं, माता और पिता। मात्र जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं होता, बालक के जीवन का निर्माण करने का कर्तव्य भी माता पिता का होता है। उस अवस्था में वह कच्ची मिट्टी के समान होता है, उसे जैसा चाहे आकार दिया जा सकता है। वह कोरे कागज के समान होता है, कोरे कागज पे जैसा चित्र बनाते हैं वैसा बन जाता है। इसी प्रकार जैसा बच्चे को हम जो संस्कार देंगे उसके अंदर वैसा बीजारोपण होगा। यदि माता पिता अपने दायित्व को अच्छे से जागरूक होकर अपना दायित्व निभाते हैं तो वह बच्चा आदर्श मार्ग पर प्रस्थापित हो जाता है। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं, जन्म देना और जीवन देना। दो बातें ये बहुत सुनने में आसान लग रही है पर ये बहुत गंभीर है। जन्म देना और जीवन देना, जन्म तो माता पिता दे देते हैं पर जीनम जीवन कुछ ही माता पिता विरले होते हैं जो दे पाते हैं। स्थानंग सूत्र में चार प्रकार के मेघों के माता पिता के उपमित किया गया है। कुछ मेघ धरती पर धान्य उत्पन्न तो करते हैं पर निर्माण नहीं करते, कुछ मेघ धान्य उत्पन्न नहीं करते पर निर्माण करते हैं, कुछ मेघ निर्माण भी करते हैं और उत्पन्न भी करते हैं, पर कुछ मेघ ऐसे होते हैं जो ना धान्य उत्पन्न करते हैं और ना ही निर्माण करते हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मरुधर केसरी वचन सिद्धि योगी दिव्य विभूति 1008 जैन धर्म दिवाकर श्री
मिश्र मल्ली महाराज साहब की क्या है, आज जन्म जयंती है, आज जन्म जयंती है। बंधु देखिए कि उन्होंने क्या है, श्रावण महीने में जन्म लिया, और वो भी किस में लिया, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन। अब आप देखियो कि श्रावण को अगर हम जो है ना हिंदी में सावन भी कहते हैं, सावन की कहते हैं, और एक कहावत है कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है, यानी सावन के महीने में जो अंधा हो जाता है, क्योंकि श्रावण में क्या होती है, बरसात होती है, सब जगह हरियाली हरियाली, और उस समय अगर कोई अंधा हो जाता है तो उसको जिंदगी भर क्या है, उसको हरियाली हरियाली नजर आती है। तो ऐसे हमारे मुरुधर केसरी जी भी जो है वो भी श्रावण महीने में जन्मे, और उन्होंने क्या है श्रावण महीने में जन्म कर अपने जीवन को क्या है सार्थक किया, ज्ञान दर्शन चारित्र से अपने जीवन को क्या किया उन्होंने, उन्होंने अपने जीवन को जो है ऊर्ध्वगामी बनाया। तो बंधु आप देखिए कि सावन, ये सावन महीना है, तो उसी तरह जो है सावन में क्या है वन है, सावन में वन है और जीवन में भी वन है, सावन में भी वन है जीवन में भी वन है। अब इस वन से क्या है, इसको हम चाहे तो हम नंदन वन भी बना सकते हैं, वन में इसको हम नंदन वन भी बना सकते हैं, और लेकिन अगर हम जो इसको नंदन वन नहीं बनाते तो हमारे लिए तो ये वन यानी जहाँ व यानी वध हो जाना है और न यानी नष्ट हो जाना है। तो ऐसे सावन को, सावन में जन्म लेकर जिन्होंने अपने जीवन को नंदन वन बनाया, और बंधु उनका जन्म भी क्या है चतुर्दशी के दिन। ये चतुर्दशी भी हमें बहुत बड़ा संदेश देती है चतुर्दशी, क्योंकि आप देखिए कि हमारे गुण स्थान की जो प्रक्रिया है उसका अंतिम गुण स्थान कौन सा है, चौदहवा। चौदहवें गुण स्थानक पर जाकर जो है व्यक्ति जो है एकदम संपूर्ण हो जाता है। अब उसको क्या है चौदहवा गुण, जैसे गुण स्थानक जैसे ही पार किया तो वो क्या हो जाता है सिद्ध बुद्ध और मुक्त होके सदा सदा के लिए अपने घर में क्या है मोक्ष रूपी घर में निवास कर लेता है। तो ऐसे हमारे महापुरुष जिनके जीवन में क्या है, जिनका जन्म भी चौदश के दिन और उनका अंतिम दिन भी चौदश ही था, और दोनों शुक्ल पक्ष की, भले दीक्षा उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन ली, दो और दो और दो कितने होते हैं, छः होते हैं, छः का हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व है। क्रिकेट में आप देखिए कि सबसे अधिक रन किससे मिलते हैं, छक्के से, सिक्सर मारते हैं, तो बंदो वो छक्का छक्का जब लगता है तो बॉल जो है रेंगती हुई नहीं जाती है, लेकिन ओवर द बाउंड्री यानी बैट्समैन के बैट से सीधी क्या है बाउंड्री को पार कर जाती है। तो भगवान भी फरमाते हैं कि ऐसी छह काय के जीवों की दया जिसके जीवन में आती है वो ओवर द बाउंड्री संसार की बाउंड्री को पार कर जाता है। नरगम तिरिक्ख जोनिम मानुष भावम च देव लोगम च सिद्ध सिद्ध वसईम छह जीवनियम परिकहे ही, जो छह काय के जीवों की रक्षा करता है कि उन्होंने जीवों को अभय दान दिया, और उन्होंने जगह जगह जो है अभय दान के लिए उन्होंने बकराशालाएँ गौशालय वगैरह खुलाए। तो हम भी क्या है छह काय के जीवों को अभय दान देकर हम भी अपने जीवन को आनंद मंगल से जोड़े। और अंत में परमात्मा का ये सूत्र, आप रोज जब भी स्थानक में आते हैं तो एक बार इस सूत्र को जरूर पढ़ना, एस खलो गंथे एस खलो मोहे एस खलो मारे एस खलो नरे, यानी हिंसा ही, और हिंसा से मतलब केवल हिंसा ही नहीं लेकिन हिंसा आदि 18 पाप, ये हिंसा आदि 18 पाप यही बंधन है। सादरी का सकल जैन समाज गुरुदेवों के इस जन्म दिवस पर अपनी भक्ति और आस्था का परिचय देने के लिए आज यहाँ स्थानकवासी संघ के आंगणे में उपस्थित हुए हैं। सभी को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देते हैं। आप लोगों के दिल में जिस तरह से आचार्य वल्लभ सूरी जी महाराज साहब के प्रति भक्ति है, वैसी ही भक्ति श्रद्धेय गुरुदेव श्रवण सूर्य मरुधर केसरी जी महाराज साहब के प्रति, जिनका इस गोडवाड़ की धरती पर अनन्य उपकार रहा है, ऐसे उपकारी गुरु भगवंतों के जन्म दिवस पर उनके गुणानुवाद करने के लिए आप और हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपके सामने अपनी गुणानुवाद की भावनाओं को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं मधुर प्रवचनकार श्रद्धेय धर्मानंद जी महाराज साहब। सादड़ी में आया देखो भक्ति महोत्सव, सादड़ी में आया गुरु भक्ति महोत्सव,
आओ मिलकर ध्यान धरे मिश्री गुरु यादों का, आओ मिलकर मिश्री गुरु यादों का, मिश्री गुरु यादों का। सादड़ी में आया गुरु भक्ति महोत्सव, सादड़ी में आया। जब गुरु के गुणानुवाद होते हैं तो मालूम नहीं पड़ता है धरती भी क्या बन जाती है, स्वर्ग बन जाती है। क्योंकि गुरु जिस समय जिसका जन्म होता है उस समय जैसे तीर्थंकर भगवान होते हैं उस समय वातावरण भी अनुकूल हो जाता है। कहते हैं गुरु के जन्म समय कैसा माहौल होता है, सादड़ी में आया गुरु भक्ति महोत्सव, सादड़ी में आया गुरु भक्ति महोत्सव। आओ मिलकर गान करें, आओ मिलकर गान करें, आओ मिलकर गुण गान करें, आओ मिलकर गुण गान करें। मिश्री गुरु किसका, हाँ मिश्री गुरु यादों का, मिश्री गुरु यादों का। देखो भगतशाली गुरु का गुणगान अपने, क्योंकि काव्य में, क्योंकि मरुद्र केसरी मिश्री मल जी महाराज को काव्य भी बहुत पसंद थे। कहते हैं कि है समय नदी की धार उसमें सब कुछ बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान उसमें परबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ मिश्री गुरु जैसे ऐसे होते हैं जो समय के साथ इतिहास बनाया करते हैं। कहने का मतलब उनका जीवन ही महान था। मिश्री गुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन के अंदर हर समस्या, हर छोटी छोटी बातों से अपने जीवन के अंदर क्या करते हैं सीख लेते हैं, उनके जीवन के अंदर देखेंगे तो शुरुआत से ही जिस समय दुनिया के लोग क्या करते हैं, कोई भी समस्या आती है तो उससे डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन महापुरुषों का जीवन कैसा होता है, जीवन में आने वाली समस्याओं से क्या लेते हैं, बोध लेते हैं। शास्त्र में दृष्टांत आता है, सनत कुमार चक्रवर्ती था, जिस समय सो काया में सोल महा रोग उत्पन्न हुए उस समय डॉक्टर की शरण में नहीं गए, कहाँ पे, धम्मम शरणम प वज्जामि। इसी प्रकार कहते हैं कि जिस समय शरीर में रोग आया उसमें विचार क्या किया, अपने कर्मों का विचार किया, शरीर में रोग क्यों आया, पूर्व भव में करे हुए जो कर्म है उस कर्म के कारण रोग आया है। सत्वशाली व्यक्ति क्या करता है, जिस समय कोई भी समस्या आती है उसका सामना करता है, पीछे हटता नहीं है, उसमें विचार किया रोग क्यों आया, पूर्व भव के कर्मों के कारण। आप और हम सब भक्ति भावना के साथ उस महापुरुष के संदर्भ में कुछ पंक्तियां रखेंगे, सभी बोलने का लक्ष्य बनाएंगे। मिश्री गुरु जपो सभी शुद्ध भाव से दिल चाव से, मिश्री गुरु जपो सभी शुद्ध भाव से दिल चाव से। गुरुवर जी मेरे ज्ञानी ज्योति जगाना, भव से तिराना कहीं भूल न जाना। मिश्री गुरु जपो सभी शुद्ध भाव से दिल चाव से, शुद्ध भाव से दिल चाव से। पाली की धरती का देखो भाग्य फला, माँ के सर आंगन में खुशियों का दीप जला। संयम ले सीखी जीवन में नई कला, श्रद्धा से सुमिरन करने पर दुख टला। ओ मेरे गुरुवर ज्ञान सिखाना, मर्म बताना शुभ राह दिखाना। मिश्री गुरु जपो सभी शुद्ध भाव से
दिल चाव से शुद्ध भाव से दिल चाव से भक्त हृदय के हार तुमी कहलाते हो उजड़े चमन में खलकलियां आप खिलाते हो गिरते हुए को गुरुवर आप उठाते हो दीन दुखी के नाथ आप कहलाते हो दुखियों के सहारे गुरुवर प्यारे भव से उबारे हमें भूल न जाना मिश्री गुरु जपो सभी शुद्ध भाव से दिल चाव से शुद्ध भाव से दिल चाव से जन्म दिवस पर मेरा सत सत वंदन है जन्म दिवस पर मेरा सत सत वंदन है सादड़ी की पुण्य धरा यह चंदन है सादड़ी की पुण्य धरा यह चंदन है सुर नर करते पूज्य गुरु का अर्चन है पूज्य गुरु सुर नर करते पूज्य गुरु का अर्चन है महक उठे यह प्यारा भक्ति उपवन है महक उठे यह प्यारा भक्ति उपवन है भक्ति से महिमा गाए चरणों में आए जीवन सजाए हमें मुक्ति है पाना भक्ति पुष्प गुरु को आज चढ़ाते हैं हृदय कमल में गुरु का ध्यान लगाते हैं भक्त हृदय हार गुरु गुण गाते हैं भक्तों के तारण हारे श्रद्धा से पुकारे गुरु दर्श देना हमें ना विसराना मिश्री गुरु जपो सभी शुद्ध भाव से दिल चाव से आत्मा को पावन बनाने के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशह वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ सुश्रावकों सुशील माताओं और बहनों आज जिस महापुरुष का हम जन्मदिन मना रहे हैं ऐसे परम उपकारी जैन संघ के भीष्म पितामह श्रवण संघ की जबरदस्त स्थापना करने में अपना योगदान देने वाले पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मरुधर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब जिनका आज 132वां जन्मदिन सचमुच महापुरुष वे होते हैं जितना समय निकलता है उतनी ही वो अपनी यादें लोगों के जीवन के अंदर उपस्थित करते रहते हैं जिनके जीवन में अच्छे कार्य करने का भाव होता है वह लोगों के दिल में अपनी अनन्य जगह बना लिया करता है पूज्य गुरुदेव मिश्री मल जी महाराज साहब ने दीक्षा लेकर के संयम लेकर के अपनी आत्मा का तो कल्याण किया ही किया लेकिन आम जन के लिए प्राणी मात्र के लिए उन्होंने जीव दया का जो सर्वोत्तम पाठ पढ़ाया है सचमुच में ऐसे महापुरुष का आप और हम पर अनन्य उपकार है ऐसे उपकारी गुरु भगवंतों के
उस दयामय धर्म को अपने जीवन में समझने का प्रयास करना है और प्राणी मात्र की कैसे दया की जाए वही वास्तव में धर्म को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर सकता है। दया के बिना धर्म हमारे हृदय में संस्थित नहीं हो सकता। यदि इस दिल में हम धर्म को बसाना चाहते हैं तो गुरुदेव ने हमको दया का उपदेश दिया है और जीवन को ऐसे उत्तम सत्कार्यों में और परमार्थ के कार्यों में लगाने की प्रेरणा दी है। उन्होंने स्वयं ने समय समय पर ऐसे भव्यतम कार्य करके जन जन को धर्म का और प्राणी मात्र के दया पालने का उपदेश दिया है। बिलाड़ा की घटना है, जब गुरुदेव वहां पर विराज रहे थे और सवेरे सवेरे अपने शिष्य के साथ स्थंडिल भूमि के लिए पधारे, पंचमी के लिए पधारे, उस समय में बिलाड़ा के समीप में ही एक बाण गंगा आई हुई है, जिस बाण गंगा के रद से अंदर से पानी निकलता है, बाहर से पानी आए या ना आए, बरसात का पानी आए या ना आए, लेकिन ऐसा हृदय वहां बना हुआ है जहां पर बारह महीना वहां पर पानी निकलता रहता है, जिसको बाण गंगा के रूप में वहां के लोग जानते हैं। ऐतिहासिक स्थल है जहां पर बाहर के लोग आकर के भी वहां पर संतुष्टि का अनुभव करते हैं। कुछ मुस्लिम लोगों ने उस बाण गंगा के अंदर हिंसा का कार्य करने का प्रारंभ किया और वहां से मछलियां पकड़ने लगे। गुरुदेव का स्थंडिल के लिए जाना हुआ और उन मुस्लिम लोगों को मछलियां पकड़ते हुए देखकर उन्हें कहा कि भाई इन मछलियों को पकड़ने से तुमको क्या लाभ है, जीव हिंसा करना अपने जीवन को संतप्त करना है। यदि हम जीवन में सुख चाहते हैं तो अन्य प्राणियों को भी सुख पहुंचाना चाहिए। सुख दिया सुख होता है, दुख दिया दुख होए। जीवन में सुख चाहते हो तो इस तरह से तुमको हिंसा का कार्य नहीं करना चाहिए। वो कहने लगे आप अपना रास्ता देखो ना, हम क्या कर रहे हैं वो हम देखेंगे, आपको हमारी तरफ दृष्टि करने की जरूरत नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो करेंगे ही करेंगे। तब उन्होंने उनको रोकने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न किया तो उन लोगों ने गुरुदेव के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए उनके पास में जो लाठियां थी वो उनके पीठ पर बरसाना चालू कर दिया। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, घटी ही घटना आपके सामने बता रहा हूं। जीव दया के प्रति उनके हृदय में कितना अनन्य लगाव था, वे हर जीव के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति अपने हृदय के अंदर दया के भाव लेकर के चलते थे। हमारे यहां पर प्रवचन के बाद एक पंक्ति बोला करते हैं, दया सुखारी बेलड़ी, दया सुखारी खान, अनंत जीव मोक्षे गया, दया तनो फल जान। सचमुच में यह दया धर्म, जीवों के प्रति रहम और अनुकंपा हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठाने वाली होती है। ऐसे दया धर्म को अपने जीवन में जो भाग्यशाली अपनाता है सचमुच में वो जीवन को धन्य बना देता है। गुरुदेव ने उन लोगों को रोका तो उन्होंने उनके ऊपर आक्रोश करते हुए लाठियां बरसाई। उन्होंने वहां पर बहुत लोग थे वो मुस्लिम, ये दो तीन जने थे क्या कर सकते थे, जैसे तैसे उनको वहां से उठा करके स्थानक भवन में लाए, उपाश्रय में लाए। और जब समाज को इस बात का पता लगा तो उन्होंने कोतवाली में जाकर के सूचना दी और पुलिस तत्काल वहां पहुंचती है और उन लोगों को पकड़ लेती है और पकड़ करके उनको जेल में बंद कर दिया। गुरुदेव का उपचार चालू हो गया उपाश्रय में, वैद्य डॉक्टरों ने आकर के उनके लिए मरहम पट्टी की, दवाएं लगाई, खूब अच्छी तरह से उनको स्वास्थ्य लाभ मिले ऐसा उपाय किया गया। अभी पूर्णतया ठीक नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा गहरे जख्म हो गए थे, फिर भी उनके दिल में दया भाव कितना। जब उनको पता लगा कि उन मुस्लिम लोगों को पुलिस ने पकड़ करके कैद में बंद कर दिया है, तब उन्होंने समाज के लोगों से कहा मेरे दिल में उन मछलियों के प्रति जो दया है वही दया भाव मेरे उन मुस्लिम भाइयों के प्रति है। वे भी एक जीव है, वे भी प्राणी है,
किसी को मेरे कारण से कष्ट और तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और इसलिए जब तक उनको कैद से मुक्त नहीं करेंगे मैं अन्न और जल नहीं ग्रहण करूंगा। ये होता है प्राणियों के प्रति दया का भाव, और सचमुच गुरु के उस प्रकार के उत्तम भावों से प्रभावित होकर मौलवी सहित सारे के सारे मुस्लिम समाज के लोग आकर के गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गए और निवेदन करने लगे कि गुरुदेव आपके हृदय में प्राणियों के प्रति जो दया के भाव हैं उस पर से आज हम यह आपके सामने सौगंध खाते हैं, हम जीवन पर्यंत इस तरह से मछली पकड़ने का काम नहीं करेंगे और दया धर्म को अपने दिल के अंदर अपनाने की भावना रखते हैं। आपने जो हमारे प्रति रहम दर्शाया है सचमुच हमारे हृदय को बदल दिया, और धर्म हृदय परिवर्तन में है, जबरदस्ती में धर्म नहीं होता है, धर्म हृदय परिवर्तन में होता है। उन मुस्लिम लोगों का हृदय भी बदल गया और गुरु के चरणों में आकर उस धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया, आज से हम कोई जीव हिंसा नहीं करेंगे। ये होता है गुरुओं का अनुपम आदर्श, और ऐसे आदर्श संत हमारे जीवन में न केवल बोल करके लेकिन अपनी जीवन घटनाओं से हमें प्रेरणा देते हैं कि इस प्रकार की उत्तम दया भावना अपने जीवन में ला करके प्राणी मात्र का संरक्षण करना चाहिए। सादड़ी संघ उन गुरुदेवों के प्रति समर्पित संघ है, सादड़ी का बच्चा बच्चा उन गुरुदेवों के प्रति समर्पित है, जिन गुरुदेवों के दिल में प्राणी मात्र के प्रति, गायों के प्रति, बकरों के प्रति, मछलियों के प्रति और प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति जिनके हृदय में अद्भुत लगाव और प्रेम था, ऐसे गुरुदेवों के जन्म दिवस पर कहना चाहूंगा सादड़ी वाले पिछले 25 वर्षों से यहां पर मूक पशुओं का चिकित्सा शिविर लगा करके हजारों पशुओं की प्रति वर्ष वहां सेवा होती है, और अब तक लगभग 3.5 लाख से 4 लाख पशुओं की सेवा उस पशु चिकित्सा शिविर के माध्यम से सादड़ी संघ के भाई बहनों ने अपना आर्थिक सहयोग दे करके और डॉक्टरों को यहां पर बुलवा करके, और उसके लिए सरकार ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया सादड़ी वालों को। आप जिस तरह से मूक पशुओं की सेवा कर रहे हैं वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, और उसके लिए हमारे सरकार की तरफ से जो सहयोग चाहिए वो हम आपके साथ मिलकर के देने को तैयार हैं। प्रतिवर्ष हजारों पशुओं का यहाँ पर खूब अच्छी सेवा होती है, खूब अच्छी चिकित्सा होती है। मैं सादड़ी के तमाम भाई बहनों को और उन युवाओं को धन्यवाद देता हूँ कि 25-25 वर्षों से आप अपने उन मूक पशुओं के लिए जिस तरह की सेवा दे रहे हैं। आज सादड़ी संघ के सामने पूज्य गुरुदेव के जन्म जयंती के अवसर पर एक ऐसा भाव उपस्थित करना है, यदि आपके हृदय में उस गुरु के प्रति भक्ति है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति निष्ठा है, तो सचमुच हमें आने वाले इस रजत महोत्सव को, पशु चिकित्सा शिविर का ये रजत महोत्सव है, 25वां वर्ष है, और इस अवसर पर एक बहुत बड़ा पशु चिकित्सा शिविर संघ के नेतृत्व में, संघ के बैनर तले हमारा लोकसहा मंडल के युवा कार्यकर्ता अपने हाथ में उन्होंने ये आयोजन लिया है, उसमें पूरे संघ का उनको सहयोग की अपेक्षा है, और ऐसे सहयोग के लिए मैं कहना चाहूंगा आज आप सब लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं, तो ये हमारा आने वाला 25वां रजत महोत्सव पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन इतने सुंदर ढंग से संपादित हो, इसके लिए भाग्यशालियों 11,000 के सदस्य बनकर के उस कार्यक्रम को ऊंचाइयां देंगे, जीव दया के प्रति अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देंगे। और कहना चाहता हूं अभी एक गायों के अंदर जो रोग चला है, रोग चाला बनता है जिसको लेकर सैकड़ों गाय मौत के घाट पर उतर रही है, ऐसे में हमारे युवाओं ने यहाँ पर जाकर के गायों के लिए वैक्सीन उपस्थित किया। जन्म जयंती पर करा याने वंदन 12,000 वारी जाऊं बाबारी याने ओ बाबो गुण भंडार वारी जाऊं